मित्रों सब्सक्राइब कीजिए ज्योतिष निकेतन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए नई वीडियो देखने के लिए सबसे पहले। मित्रों नमस्कार, महर्षि पतंजलि ने अनमोल पुस्तक योग दर्शन की रचना की है जिसमें 195 सूत्र हैं। इन 195 सूत्र में उन्होंने योग की चर्चा की। आज की वीडियो में पहले सूत्र की चर्चा करेंगे। पहला सूत्र है अथ योगानुशासनम, इसका अर्थ है अब योग का अनुशासन। उन्होंने इस सूत्र में जो कहा उसे समझना बहुत आवश्यक है। इस सूत्र का पहला शब्द है अथ। यह शब्द ब्रह्म सूत्र में महर्षि बादरायण व्यास ने भी अपने पहले सूत्र में कहा है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। अथ का मूल भाव यही है कि जिन्हें वास्तव में साधना में प्रवेश करना है उन्हें भली भांति यह जान लेना चाहिए कि अथ को समझने पर ही साधक का जीवन अर्थवान है, अन्यथा तो वह अर्थहीन रह जाता है। अथ अर्थात अब वह क्षण आ गया है जब हमें गुरु के लिए भाग दौड़ ना करनी पड़े। हमारे गुरु तो हमारे पास तक स्वयं ही चले आए, कितने भी सुपात्र हों पर गुरु के समक्ष अपनी पात्रता सबको सिद्ध करनी पड़ती है। किसी साधक के जीवन में यह क्षण जल्दी आ जाता है तो किसी के जीवन में देर से आता है। सच्चा शिष्य बनने के लिए सिर्फ गुरु का हो जाना है, दोनों में एक ही संबंध रहे कि गुरु शिष्य का। यदि गुरु कृपा हो जाएगी तो समस्त भ्रांतियों से मुक्ति मिल जाएगी और अब तुम योग के अनुशासन को समझ सकते। योग कोई शास्त्र नहीं, योग अनुशासन है। यह वह अनुशासन है जिसे तुम्हें करना होगा। अथ का पुण्य क्षण वे कदापि नहीं पा सकते हैं जो इसको सत्य नहीं सिद्धि समझते। अथ का सच्चा अर्थ यही है कि योग के लिए सच्ची पात्रता अर्थात सच्चा शिष्य। जिसके जीवन में अथ का पुण्य क्षण आ जाता है उसे सद्गुरु अवश्य मिल जाता। सच्चे शिष्य बने बिना सद्गुरु मिलने का भी कोई लाभ नहीं होता है। सद्गुरु आते हैं योग का अनुशासन देने के लिए। अनुशासन से तात्पर्य यही है कि होने की क्षमता, जानने की क्षमता और सीखने की क्षमता। जब चंचल मन की गति नहीं होती अर्थात वह एकाग्र होता है तभी जानने की क्षमता आती है। सामान्य मन तो एक भीड़ के समान है जो कहीं भी कभी भी गुम हो जाता है जीवन की भूल भुलैया में। जब तक मन भीड़ रहित होकर एकाग्र नहीं होता है तब तक कुछ भी समझ नहीं आता। शिष्य का सच्चा धर्म अनुशासन ही है। यदि अनुशासन ही नहीं तो सच्चा शिष्य कहाँ? जो संकल्पवान नहीं वह आत्म तत्व को कैसे जान सकेगा? सच्चा शिष्य नहीं तो सद्गुरु के लिए सुपात्र नहीं बन सकेगा तो गुरु कृपा कैसे मिलेगी? संकल्पवान होने का अर्थ हठी होना कदापि नहीं है। संकल्पवान वह है जो विनम्रता, ग्रहणशीलता और सद्गुरु की चेतना की ओर खुला है। वह तैयार है, सचेत है, प्रतीक्षारत है, प्रार्थनामय है, सीखने की जिज्ञासा विद्यमान है। तभी गुरु कृपा और गुरु के सानिध्य में सीखना होता है। सहज हुए बिना कुछ नहीं सीखा जा सकता। सत्संग गुरु का हो और सत्य का गहरा सानिध्य ना हो तो कैसा सत्संग? गुरु द्वारा दिए अनुशासन में चेतना का स्पर्श होता है जो उसमें तरंग रूप में विद्यमान रहता है। उसे स्वीकार करने का तात्पर्य यही है कि उनकी चेतना को स्वीकारना व अपनाना। अथमयी होते ही शिष्य को एक अलग भाषा समझ आने लगती। प्रेम, श्रद्धा व आस्था स्थान और समय दोनों को मिटा देती। योग दर्शन के पहले सूत्र का मूल अर्थ यही है कि शिष्यत्व का जन्म एक सद्गुरु की प्राप्ति। नई चर्चा नई वीडियो के साथ कल फिर मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।